राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों एवं मजदूरों ने तहसीलदार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों और मजदूरों की मांग है कि समस्त कृषि उद्योग की लागत के 1.5 गुना के आधार पर मुनाफा एवं लाभकारी दाम दिया जाए, साथ ही मजदूर एवं किसानों के समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्ति दिलाई जाए। किसानों एवं मजदूरों की आय सुनिश्चित की जाए तथा आय की गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में कोई भी फसल समर्थन मूल्य के नीचे न बिके और यदि ऐसा होता है तो संबंधित व्यापारी पर FIR दर्ज कराई जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कराकर किसान हितैषी फसल बीमा योजना लागू करवाई जाए। इन समस्त मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता सुनील गौर एवं साथ में सैकड़ों की संख्या में मजदूर एवं किसान उपस्थित रहे। हमारा कार्यक्रम एक जून से ग्राम बंद का हमारा अभियान है, मगर उससे पहले यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम ग्राम बंद पर नहीं जाएंगे। मगर यदि सरकार है, हम पिछले एक साल से मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार मांगे मान नहीं रही है। हम अंतिम चेतावनी के रूप में ये ज्ञापन दे रहे हैं, यदि सरकार मांगे मान लेती तो हम गांव बंद पर नहीं जाएंगे। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो निश्चित रूप से इस देश का किसान पूरे भारत में एक साथ 1 जून से 10 जून तक गांव बंद पर जाएगा। यदि मांगे 10 जून तक भी पूरी नहीं होती तो ये ग्राम बंद अभियान सतत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक भी चलता रहेगा। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे सबको स्पष्ट है, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए, किसानों को ऋण मुक्ति चाहिए और लागत हमारी जो आय है वो सुनिश्चित होना चाहिए, निश्चित आय होना चाहिए किसानों की। और भी छोटी छोटी बहुत सारी मांगे हैं, हमारा समय पर जो भी हम फसल बेचते हैं वो समय पर हमें भुगतान मिल जाए, दूध वाले को उसको पेमेंट मिल जाए, गाँव में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाए। आज गाँव की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर गरीब भी अपने गाँव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, यदि वो पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उसका भविष्य खराब होना तय है। गाँव के स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लगे हुए, ऐसी सारी व्यवस्था, बहुत सारी मांगे हमारी, लगभग 25 मांगों को लेकर हमने ये ज्ञापन अभी दिया है।